हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये एसईओ का पार्ट फोर है, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब जो हम ऑनलाइन ऑप्टिमाइज करते हैं अपने साइट पे। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन नोन एज ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन। क्या आपको बताया था कि जो साइट पे हम ऑप्टिमाइज करते हैं वो पार्ट ओके। नेक्स्ट, इन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन यू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन गाइडलाइन। जो हम ऑप्टिमाइज करते हैं वेबसाइट को, वो हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं वेबसाइट के सर्च इंजन और उसकी गाइडलाइन के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हैज एन इफेक्ट ऑन योर वेबसाइट लिस्टिंग इन नेचुरल रिजल्ट। जो हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जो हम एसईओ बेस करते हैं, वो आपके रिजल्ट जो भी अच्छे होगा वो आपके रैंकिंग में उसको इफेक्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट algorithm of Google Panda 4.0, on page optimization is placed 35% role in why it has SEO. Google के Panda 4.0 के हिसाब से 35% role जो है on page optimization पे आपको why it has SEO बताएंगे। ओके, अब मैं आपको पहले एडवाइजर इसको क्या होता है वो हिस्सा सुन चुका है हमारा। ओके, ऑन पेज टेक्निक क्या होता है? पहला होता है कीवर्ड एनालिसिस, मतलब कि हम जो उस साइट में कीवर्ड डालेंगे वो ही कीवर्ड यूजर डालना चाहिए अपने सर्च इंजन में ताकि हमारा पेज रैंक करें। ओके, नेक्स्ट, कंपटीशन वेबसाइट एनालिसिस। जो हमारे कॉम्पिटिशन है, जो मेरे जो कॉम्पिटिटर है, उनकी वेबसाइट में अगर चार कीवर्ड है जो हमने नहीं डाला। ओके, टैग ऑप्टिमाइजेशन। टैग ऑप्टिमाइजेशन जो हम टैगलाइन डालते हैं वो पार्ट। ठीक है, वेबसाइट जितना यू आर एल होता है वेबसाइट का, वो आप देखिएगा वेबसाइट जो यू आर एल होता है वो एक मतलब एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब कुछ भी हो रहा है, जैसे मान लीजिए www.com है ना, अगर हम वो डालेंगे तो वेबसाइट खुलेगा नहीं, कहीं होता है वो चीजें। ओके, रहते हैं। ओके, हैवी कॉइन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। हैवी कॉइन जैसे कि ये हमारी साइट है। ओके, हमारी साइट है, इस पर आप हमारे कल्चर आप वहाँ देखते हैं, ये कि इसके बगल में एक लोगो बना हुआ है, ये लोगो होना चाहिए उसको। ओके, इसको हम बोलते हैं फेविकॉन। उसके बाद आते हैं कैनोपलाइजेशन इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन क्या होता है? जो हम ऑलवेज वेबसाइट ओपन होती है वो www.xyz.com जो भी है उसकी होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ देखिए www.core.in है। अगर मैं यहाँ पर www.core.in लिखूंगा तो ये साइट खुलेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ कोडेड टाइप ही लिखता हूँ तभी भी वो www में ही आती है। ठीक है, इसका मतलब जो हमने इसमें किया है वो ठीक किया है। जो वेब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है, इसमें क्या होता है, हम अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, उसकी स्पीड बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि आपका पेज है, आपने वेबसाइट में ईमेल डाली होंगी, ओके, बहुत सारे कोड डाले होंगे, है ना, वो सब। तो अगर आपकी ईमेल बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा MB की है ना, तो अब उतना लोड होने में टाइम लगेगा, उसको टाइम रिड्यूस करना ही सबसे ऑप्टिमाइजेशन होता है। उसके आते हैं CSS एंड JavaScript फाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। देखिए, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जो हमारे कोड होते हैं कुछ कोर्ट में हम स्पेस डालते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, तो कोर्ट जो जो हमारे कोर्ट होते हैं वो ऑटोमेटिक जो स्पीड डालते हैं ना, हम नेक्स्ट टाइम करते हैं उसको भी वो है कंसेप्ट कोड ही करते हैं। ये सबको रिड्यूस करना चाहिए ताकि इससे हमारी वेबसाइट को ओपन होने में टाइम ना लगे। नेक्स्ट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ नॉन इंडेक्सेबल एट्रीब्यूट। ओके, इसमें क्या होता है, जैसे कि जो स्पाइडर्स हैं, है ना, जो अपने गूगल के स्पाइडर्स, वो अगर आपके इसमें साइट में अगर प्रॉपरली कुछ कोड नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आपकी आपकी इमेजेस हैं, टेक्स्ट हैं, है ना, आपकी जो गूगल के स्पाइडर होते हैं वो आपके इमेजेस को काउंट नहीं करते, वो आपकी इमेज है इमेजेस नहीं, वो अंदर कोड काउंट करते हैं। ओके, अगर हम देखेंगे आपको इमेज डालते हैं तो वो IMG टैग जो भी आपका सोर्स साइट होगा वो आएगा, तो उसका काउंट उसको हल्का कोड करते हैं।
वो होता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ नॉन इंडेक्स टोटल एट्रीब्यूट। उसके बाद क्या है टेक्स्ट कोड रेशियो, जिसमें आपको टेक्स्ट कोड रेशियो देखना पड़ेगा कि क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ टेक्स्ट कोड रेशियो क्या होता है। जैसे कि हम आते हैं इधर, यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया कुछ भी कर सकते हैं, मैं ये यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी इसके लिए मैंने अपने जो है वो कॉपी किया, उसके बाद मैं डोमेन पे गया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे टेक्स्ट रेशियो क्लिक कर दिया। ये पूरा उसको एनालाइज करेगा कि हमारी कोड टेक्स्ट कैसा है, क्या है। हालांकि इसमें एरर भी आएंगे, ऐसा नहीं कि एरर नहीं आएंगे, एरर भी आते हैं। अब देखिए मेरे यहाँ क्या है, कोड टेक्स 1%। ध्यान रखिएगा हमारा जो रेशियो होता है वो 0-60% के बीच में होना चाहिए। इतना उसके ऊपर जाएगा तो वो उतना अच्छा नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं लिंकिंग। लिंकिंग क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल और ब्रोकर। जैसे कि आप देखिए मेरी ये साइट है, ठीक है, और मेरी साइट में मैंने अबाउट हो गया, सर्विस हो गई, ये सब लिखे हुए हैं। सेम यहाँ मेरा प्रोफाइल मिल जाता है। और सपोज मैं यहाँ पर जाता हूँ, सर्विस में जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं क्लाइंट में जाता हूँ। देखिए यहाँ मेरे ये लिंक चेंज हो सकता है, क्लाइंट है ना, मैं ब्लॉग में कैरियर में ट्राई करूँगा, कुछ नया खुलेगा, ये कोई मतलब। अब ये हो गया इंटरनल लिंक, ठीक है। अभी हम आते हैं एक्सटर्नल लिंक क्या होता है। एक्सटर्नल लिंक हम देखते हैं, ये फेसबुक है, तो मैं क्लिक करूंगा तो नया पेज खुलेगा जो फेसबुक के पास ले जाता है मेरे को, ठीक है। ये होता है एक्सटर्नल लिंक। अब इसमें ब्रोकर लिंकिंग क्या होते हैं, जैसे कि आप कोई लिंक दीजिए, अभी देखिए यहाँ पर लिख रहा क्लिक असिस्टेंट से। अभी मैं यहाँ पर मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, है ना, तो मैं इसको ब्रेक कर दिया। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, लिंक ब्रेक हुआ है, देखिए नॉट फाउंड, इसको बोलते हैं ब्रोकन लिंक, ठीक है। तो ये हो गया ब्रोकन। अब आते हैं डॉक टाइप। डॉक टाइप क्या होता है, जो भी कोड जो भी हम कोड बनाते हैं, जैसे कोई आपका एचटीएमएल में है, एक्सेल फाइल में है, जिसमें भी है, तो उसमें डॉक टाइप फैक्टिंग है वो आप देखिए। अगर आपको डॉक टाइप होगा तो उसको एचटीएमएल आपको तो अच्छा माना जाता है, उसको भी मतलब आपके एचटीएमएल प्रॉपर वे में ही दिखेगी। जैसे देखिए मैं आपको दिखाया था यहाँ पर कोर्स में गया। ओके, अब यहाँ देखिए दिख रहा है डॉक टाइप एचटीएमएल, मतलब एचटीएमएल इसमें बना हुआ है, ठीक है। लेकिन जो गूगल है वो कैसा करने लगे की आपको टॉप में डाले की आपको, तो अगर मान लीजिए आपके कंप्यूटर ने डब्ल्यू पी स्कूल इसको नहीं यूज किया होगा और आपने यूज किया, तो गूगल का जो फिल्टर है वो हैगा आपको टॉप में रखेगा और आपके जो कंप्यूटर को सेकंड में रखेगा। उसके बाद चेक कर लेते हैं डब्ल्यू पी वेरिफिकेशन, कोड अपना यूआरएल कॉपी किया, इंस्टाग्राम डाल दिया। जब हम क्लिक करते हैं देखिए इसमें अगर एरर आएंगे लाजमी है, लेकिन जितना कम होता है उतना अच्छा रहता है। देखिए यहाँ पर मेरे को कुछ वार्निंग आए, कुछ एरर आए, तो ये आप अगर इनको कुछ सब सॉल्व कर लीजिए तो मतलब आपका इसलिए प्रॉपर रेंजिंग और अच्छा ही होगा। ओके, साइट में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड रोबोट टेक क्या होता है ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसके लिए थोड़ा अलग अलग वीडियो को तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद आते हैं हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। अब कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन जो आपके पास टेक्स्ट आ रहा है, जो आपकी चीजें हैं वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं मेरे साइट से यहाँ पर 1 hour मिशन ज्यादा है ना,
यहाँ पे क्या लें, यहाँ पे कंटेंट डालें, कला टेक्स डालें, तो और भी इसके अंदर भी टेक्स होंगे, है ना। तो ये सब आपका प्रॉपर ऑप्टिमाइज होना चाहिए, इसमें कम कोड होंगे, इतना कम पेपर देगा उतना अच्छा वो होगा। अब बताते कन्वर्जन फॉर्म, कन्वर्जन फॉर्म वो होता है जैसे आपने उसमें कॉन्टेक्ट अबाउट डाला है, तो वो भी फॉर्म हुआ है ना, जो आप फॉर्म डालते हैं उससे आप क्लाइंट से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसको है कन्वर्जन फॉर्म मांगते हैं। तो ये भी ये आपके एक्सपीरियंस में होना चाहिए। मैं कहता हूँ क्लाइंट साइड वेब पेज एनालिसिस। अब देखिए क्या होता है, अगर आप अपने क्लाइंट की वेबसाइट बनाते हैं तो उसका जो वेबसाइट है उसका जो एनालिसिस करेंगे उसके टाइम पे, तो उसमें वो भी चेक करेंगे कि आपका उसमें कहाँ कहाँ रोल है, मतलब आपकी वेबसाइट का लिंक कहाँ कहाँ दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, आप फुटर में देंगे सबसे पहले चीज को, है ना, या मान लीजिए सर्विस पे आपने अपना लिंक दे दिया तो आपने सर्विस पे बता सकते हैं, तो ये सब चीजें वहाँ आती हैं। उसके बाद यूजेबिलिटी, मतलब कि आपकी जो क्लाइंट का वेबसाइट है कितना यूज आ रहा है, मतलब उसका कितना कितना उसका विजिटर आ रहा है, उसका कितना ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि ऑफिस वाले से ज्यादा ट्रैफिक आएगा तो आपकी साइट पे भी जो भी जो बैकलिंक पे जो काम होगा वो भी आपकी साइट में ट्रैफिक कन्वर्ट होगा। बोलते हैं यूजेबिलिटी। नेक्स्ट पार्ट में हम कीवर्ड के एनालिसिस पढ़ेंगे जो हमारा होगा पार्ट 5। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।